तो यस, जो मैं चैंपियंस ऑफ द वर्ल्ड में हूँ 3DX चेतन, एंड जैसे वो कॉमेडियंस पिटते हैं और फिर इंजर्ड हो जाते हैं, ऐसे WWE सुपरस्टार्स के साथ भी है, जब उनके साथ भी कभी कभी हादसे हुए हैं एंड वो इंजर्ड हुए हैं, उन्होंने कुछ तो अपनी चीज खोई है, जिसकी शुरुआत ही हम करेंगे सिज़ारो के टीथ ब्रेकिंग इंसिडेंट से। सो ये मैच था द बार वर्सेज डीन एम्ब्रोस एंड सेथ रॉलिंस के बीच रॉ टैग टीम चैंपियनशिप के लिए एट नो मर्सी 2017। सेथ रॉलिंस एंड डीन एम्ब्रोस एक साथ आ चुके थे एंड रॉ टैग टीम चैंपियनशिप के लिए मैच था। एवरीथिंग वॉज गोइंग ग्रेट अंटिल सिज़ारो को डीन एम्ब्रोस ने ऐसा मूव मारा कि सिज़ारो जाकर ठुके खंबे से एंड ऐसे ठुके के बेचारे के आगे के दांत ही उखड़ गए एंड सिज़ारो का रिएक्शन वॉज प्राइसलेस। उनका रिएक्शन ऐसा था जैसा मानो किसी ने मेयोनीज और चीज मिलाकर उनके मुंह में डाल दिया हो। एंड जस्ट इमेजिन कि सिज़ारो ने फिर भी फाइट करना कंटिन्यू सही समझा, बावजूद इसके बेचारे को एक शेमस की ब्रोक किक खानी पड़ी। थैंकफुली इस समय सिज़ारो के दांत वापस आ चुके हैं एंड अभी वो सेब खा सकते हैं। अगला सुपरस्टार आया द गेम ट्रिपल एच। ट्रिपल एच की उनके क्वाड के साथ रिलेशन काफी पहले से खराब रहे हैं, जिसकी हम शुरुआत करेंगे उस मैच से जो कि वन ऑफ द बेस्ट टैग टीम मैच रहा। पर्सनली मेरे फेवरेट टैग टीम मैचेस के लिस्ट में भी ये टॉप पर ही रहेगा एंड दैट वाज स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन एंड ट्रिपल एच वर्सेस क्रिस बेनोआ एंड क्रिस जेरिको। सो अगर आपको कोई कहता है आजकल की ये यंग बक्स जो है ये इधर उधर उछलते रहते हैं, ये बेस्ट टैग टीम मैच दे रहे, नहीं, आपने टैग टीम मैच अभी देखे ही नहीं है। आप एक बार ये वाला मैच देखना, आपको पता चलेगा कि टैग टीम मैच किसे कहते हैं। हालांकि मैच के दौरान एक पॉइंट आया था जिसमें स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन को लॉक में फंसा दिया था, जिसमें ट्रिपल एच ने उन्हें बचाने के लिए क्रिस जेरिको को अटैक किया एंड उसी अटैक के दौरान ट्रिपल एच का मास्क फट गया, जिसके चलते ट्रिपल एच सही से नहीं चल पा रहे थे। बावजूद इसके ट्रिपल एच ने मैच कंटिन्यू रखा और अनाउंसर टेबल पर क्रिस जेरिको का वॉल्स ऑफ जेरिको भी लिया। देख रहे हो, मतलब सोचो ऑडियंस की तरफ से क्या एनर्जी आ रही थी कि ट्रिपल एच को इतनी मोटिवेशन मिली कि भैया नहीं, यहाँ पर मैं अप नहीं कर सकता, मास फट गया कोई बात नहीं, लेकिन मैच मुझे कंटिन्यू रखना है। वो अलग बात है कि ट्रिपल एच एंड ऑस्टिन मैच हार गए, बट हे, दैट वाज वन ऑफ द बेस्ट मैचेस इन द WWE हिस्ट्री व्हेन इट कम्स टू टैग टीम। ऊपर से स्टार स्टडेड मैच वैसे ही अगर आप आपके नजरिए से देखो तो। एनीवेज, अगला मैच आया हार्डकोर होली वर्सेस RVD की तरफ से। हार्डकोर होली एंड RVD ने ECW में काफी ग्रेट मैचेस दिए, जो कि काफी अंडररेटेड कह सकते हैं, क्योंकि ऐसा नहीं था कि हां इस मैच से हमें ऐसी एक्सपेक्टेशन थी। ऐसा ही कुछ हमें उनके एक रूस मैच के दौरान देखने को मिला, जिसमें लोगों को लगा नहीं था कि ये मैच उतना अच्छा जाएगा, स्पेशली एक टेबल स्पॉट पे। हार्डकोर होली ने ऐसा टेबल स्पॉट मारा RVD को कि हार्डकोर होली को ज्यादा लगा और ऐसा लगा कि उनका पीछे का हिस्सा कट गया, मतलब वो कट आपको पूरा दिख सकता था, वहां पर खून निकलता हुआ भी आराम से दिख रहा था। फिर भी मैच लड़ते जा रहे थे। कईयों का मानना था कि ये हार्डकोर होली की सबसे बड़ी गलती थी कि उन्होंने मैच को कंटिन्यू रखा, और कईयों का मानना था कि ये उनकी सबसे बड़ी बहादुरी थी कि उन्होंने मैच को फिर भी कंटिन्यू रखा। सो दोनों तरफ से कमेंट आ रहे थे, बट ये हार्डकोर होली ने बताया कि उनके नाम के आगे हार्डकोर क्यों है। RVD ने वहां पर मैच तो जीता, लेकिन मैच के बाद स्टैंडिंग ओवेशन मिली हार्डकोर होली को फॉर हिज परफॉर्मेंस। अगला इंसिडेंट आया जॉय मर्क्यूरी की तरफ से। सो व्हेन यू वर अ चाइल्ड एंड आपको ऐसा कुछ दिखे तो शायद आप भी बेहोश हो जाओगे। 2006 के आर्मगेडन में हमें देखने को मिला था जॉय मर्क्यूरी के रिंग करियर का एंड। वो इसीलिए क्योंकि एक स्पॉट आया था जिसमें जेफ हार्डी ऐसा लैडर पर अटैक करते हैं कि जॉय मर्क्यूरी एंड जॉनी नाइट्रो, यानी कि जॉन मॉरिसन जिनका नाम अब है, तो उनको लैडर लगेगी, लेकिन जॉनी नाइट्रो को ऐसा सच डैमेज नहीं लगा, बट जॉय मर्क्यूरी को ऐसा डैमेज लगा कि उनका करियर भी एंड हो गया और जो उनके फेस पर कट्स आए, स्वेलिंग आई, उसकी वजह से उन्हें सीधा मैच से बाहर निकाला गया, उन्हें हॉस्पिटल पहुंचाया गया तुरंत के तुरंत। वी ऑल कैन एग्री कि अगर रिंग इंजरीज की बात होती है तो ये नाम भी आराम से सामने आ जाता है। अगला इंसिडेंट आया जॉन सीना की तरफ से। जॉन सीना वर्सेस सेथ रॉलिंस की राइवलरी ड्यूरिंग द 2015 वाज वन ऑफ द मोस्ट आइकॉनिक राइवलरीज, स्पेशली बिकॉज जॉन सीना की उसमें नाक भी तोड़ दी थी। समर स्लैम से पहले हमें सेथ रॉलिंस एंड जॉन सीना के बीच रॉ में हमें मैच देखने को मिला था और उस मैच के चलते सेथ रॉलिंस ने ऐसा घुटना मारा कि जॉन सीना की नाक इधर की उधर हो गई। मतलब आप क्लियरली देख सकते हो जॉन सीना की नाक पे पूरा कर्व बॉल बन गया, ऐसा लग रहा था शेन वॉन ने जो स्पिन कराते हैं वो कर्व बनती है ना, बिल्कुल वही कर्व उनकी नाक पे बन गया था। एंड आई थिंक सेथ रॉलिंस के लिए सबसे बढ़िया बात थी, क्योंकि फिर उसके आगे आने वाले हफ्तों तक जॉन सीना की ये वाली इमेज दिखाकर एम्बैरेस करते रहे थे और स्टोरी लाइन में एक नया एंगल मिल गया था।
अगला आया अंडरटेकर एंड रे मिस्टीरियो के मैच से। 2010 में हमें अंडरटेकर वर्सेस रे मिस्टीरियो का मैच देखने को मिला था एंड नोबडी कुड हैव थॉट कि रे मिस्टीरियो जैसा बंदा अंडरटेकर को इंजर्ड कर सकता है। यस, अंडरटेकर को काफी इंजरीज हुई है और वो लास्ट राइड की डॉक्यूमेंट्री से हमें पता भी चल गया था। एंड एक इंजरी इसी मैच के दौरान आई थी जब रे मिस्टीरियो ऐसी जंप मारी अंडरटेकर के मुंह पे कि अंडरटेकर कनकस्ड हो गए पूरे और उनकी नाक भी टूट गई। और अंडरटेकर ने बताया भी था कि उस मैच में जब हुआ था तो उन्हें ऐसा लगा कि उनकी नाक इधर की उधर हो चुकी है और उन्होंने कोशिश भी करी थी अपनी नाक को पकड़ के बिल्कुल सही जगह पर सेट करने की। अंडरटेकर ने मैच तो जीता था लेकिन इस इंजरी की वजह से वो कुछ महीने तक बाहर हो गए थे। यार बोलते हुए बहुत अजीब लग रहा है कि अंडरटेकर ने नाक पकड़ के सेट करने की कोशिश करी थी, कम ऑन। अगला इंसिडेंट आया साबू वर्सेस टेरी फंक के मैच से। ओके, लेट्स बी ऑनेस्ट, अगर टॉप 10 हार्डकोर सुपरस्टार की लिस्ट बनेगी यू कैन नॉट एक्सपेक्ट कि इसमें साबू और टेरी फंक ना हो। दे वर दी हार्डकोर लेजेंड्स, दे वर द टाइप ऑफ पीपल जो कि अपने 60s में भी बियर बॉटल फोड़ सकते हैं एक दूसरे के सिर पर और फिर भी पिन ना हो। दोनों सुपरस्टार्स हार्डकोर पर्सोना के लिए जाने जाते थे एंड पर्सोना भी छोड़ो, ये मैच ही आया बार्ब्ड वायर मैच, यानी कि रिंग के रोप्स की जगह थी बार्ब्ड तार। एंड मैं सही में कहूंगा अगर आपका दिल कमजोर है ना, ये वाला मैच मत देखना, लेकिन अगर आपको सही में हार्डकोर मैच देखना है तो ये वाला देखना, कसम से कहूं फट जाएगी। आई एम टेलिंग यू फट जाएगी। इस मैच को देखने के लिए गूदा चाहिए। और इस मैच के दौरान ही साबू ने एक स्प्लैश मारने की कोशिश करी थी रिंग के कॉर्नर में जिसपे टेरी फंक हट गए थे एंड कैसे बताऊं, एंड साबू भागते भागते गए एंड सीधा तार में इलज गए एंड उस तार से उनका हाथ कट गया। एंड बंदे को देखो यार, बंदा मैच के दौरान भी कंटिन्यू रहा और मैच पे ही उसने उस हाथ में पट्टी बांध के कंटिन्यू करा जैसे कुछ हुआ ही ना हो। आई डोंट नो मैन, क्या ही कहना चाहिए। और टेरी फंक को देखो भाई, उस मैच के दौरान टेरी फंक आई गेस 50 प्लस ईयर्स के थे और वो हार्डकोर मैच, यार आई हैव नो वर्ड्स बिकॉज जब मैं ऐसे मैच देखता हूँ मैं कुछ बोल ही नहीं पाता। अगला इंसिडेंट आया मिक फोली का ईयर। मिक फोली का ईयर आई डोंट नो कि सबने देखा या नहीं, बट उनका एक ईयर सही में पूरा डैमेज्ड है। और ऐसा हुआ था जब वो कैक्टस जैक बनकर लड़ने गए थे वेडर के साथ जर्मनी में एंड उस मैच के दौरान कुछ तो ऐसा हुआ था कि वो रिंग में फंस गए थे एंड उनका कान टूट के गिर गया था। एंड मिक फोली ने बताया कि किस तरह से रेफरी ने मैच खत्म होने के बाद उनके हाथ में उनका कान दिया कि लो आपका कान गिर गया था। आई नो ये मैं बना नहीं रहा हूँ, ये सही में ऐसा हुआ था और उन्होंने बताया है। मेरे को बताने में बहुत अजीब लग रहा है कि रेफरी ने मैच खत्म होने के बाद उनका कान दिया कि लो सर आपका कान गिर गया था मैच के दौरान, आप भूल गए। एंड मिक फोली भी लाइक हाँ ठीक है, अच्छा तभी मेरे को सुनाई नहीं दे रहे थे काउंट। ये हार्डकोर लेजेंड्स का अलग ही हॉल ऑफ फेम बनना चाहिए मुझे लग रहा है, ये नॉर्मल हॉल ऑफ फेम डिजर्व नहीं करते, इनका बनना चाहिए हार्डकोर हॉल ऑफ फेम। एनीवेज, फाइनल सुपरस्टार आया फ्रॉम सिड विशियस। सिड विशियस काफी लोगों का फेवरेट थे उस टाइम पर क्योंकि भाई हाइट, बॉडी, हेल्थ सब कुछ थी। एंड WCW के एक मैच के दौरान जो कि सिन पे पर व्यू हुआ था उसमें स्कॉट स्टीनर के साथ हुए मैच के दौरान WCW के ऑफिसर की तरफ से कहा गया था कि थोड़ा तुम टॉप रॉप से कूदने की कोशिश करना। सिड विशियस ने ट्राई किया, मिड रॉप से उन्होंने जंप लगाने की कोशिश करी जिसकी वजह से उनका पूरा वेट रिंग पे गिरा। एंड जब आपका वेट इतना ज्यादा हो तो काफी मुश्किल होता है आपको जंप मारना क्योंकि आप एथलेटिक तो होते नहीं हो उतने कि भैया आप इधर से उधर जंप कर सको, जिसके चलते उनका पैर टूट गया जो कि आप क्लिप में देख सकते हो एंड काफी डेंजरस था जिसके चलते उन्हें 6 साल तक रेसलिंग से दूर रहना पड़ा था। एंड दैट वॉज क्रेजी बैड इंजरी। ओके, इसको मैं इंजरी भी कैसे, दिस इज नॉट अ फ्रिकिंग इंजरी यार, पैर टूट के अलग हो चुका है यार, क्या ही वीडियो बना रहा हूं मैं, किसी का कान टूट रहा है, किसी का पैर टूट रहा है, AEW के बारे में कुछ बोलते तो उनका दिल टूट रहा है यार, कुछ भी हो रहा है मतलब। एनीवेज, इनमें से कौन कौन से इंसिडेंट के बारे में आपको नहीं पता था प्लीज कमेंट्स में लिखकर बताना। और मैं ये तो नहीं कहूंगा कि वीडियो पसंद आई या नहीं आई, बिकॉज आई गई होगी क्या पता, बट मैं रिकमेंड जरूर करूंगा कि अगर आपका दिल मजबूत है तो वो साबू वर्सेस टेरी फंक का मैच जरूर देखें।